स्वागत आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूं प्रियंका उप्पल आनंद। कहा जाता है कि हमारी प्रकृति, हमारी नेचर है, उसके अपने फिनोमिनाज हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं, और इन फिनोमिनाज को, इन प्रिंसिपल्स को पूरा नेचुरल वर्ल्ड, पूरी दुनिया मानता है, इससे ओबे करता है। वाकई ओबे करने वाली बात तो है, जैसे दिन के बाद रात आती है या फिर एक पौधा बड़े होके पेड़ बन जाता है। बहुत ही मिस्टीरियस है ये नेचर, और मिस्टीरियस तो स्टॉक मार्केट भी कही जाती है। क्या कोई ऐसा ग्राउंड है जहां पर हम नेचर को स्टॉक मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं? अगर आपको ये वाकई मिस्टीरियस लग रहा है तो आपकी सुलझन को सुलझाने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान सुनील मिंगलानी बने हुए हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई एम सो श्योर व्यूअर्स को जो मैंने ये एक लाइन बोली है बहुत ही मिस्टीरियस लग रही होगी, लेकिन आई एम श्योर आपके पास समाधान जरूर होगा। क्या कोई ग्राउंड है जहां हम नेचर को स्टॉक मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हम शुरू से ये बात करते आए हैं, मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि मार्केट के हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं और हमारी नेचर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो लगभग एक जैसे हैं। okay. अगर आप आंखें खोल के देखने की कोशिश करेंगे कभी, जो कि आज हम करेंगे यहाँ, आपको मालूम चल जाएगा कि कितनी सिमिलैरिटी है एक्चुअली नेचर में और हमारी मार्केट में। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि नेचर जो है वो एक पूरा जो है इंटीग्रेटेड है, उसके अंदर कहीं पर भी कुछ अलग टूटा हुआ नहीं है। हर चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है, यानी एक ना एक चीज़ हर चीज़ से कनेक्टेड हर चीज़ कनेक्टेड है आपस में, और उसके एक सेट रूल्स हैं वो उन पे ही चलती है। हम नाम दे देते हैं कि भगवान कर रहा है, ये कर रहा है, वो एक्चुअली लॉ है। नाम हमने दे दिया, कोई आदमी वहां बैठा हुआ नहीं है जिसके दो हाथ दो पैर हो और वो हमें बोल रहा हो ये करिए वो करिए, या सुबह आदेश देता हो सूरज को आप निकल जाइए, चांद को बोलता हो आप डूब जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। वाकई बहुत वैलिड पॉइंट है कि आप देखेंगे हर चीज अपने समय पर होती है, समय पर सूर्य उदय होता है, समय पर सूर्य अस्त भी हो जाता है। हर चीज एक लॉ है, एक सिस्टम है एक्चुअली, उस सिस्टम को हमने भगवान का नाम दे दिया। एक्चुअली है एक सिस्टम, मार्केट के अंदर भी एक सिस्टम है। अगर हम उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए नेचर में, हम मार्केट में बार बार बात करते हैं ट्रेंड होता है, यहाँ पे स्टॉक चलता है, एक ट्रेंड लेता है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, चले नेचर में भी ट्रेंड होता है, यानी पहला ग्राउंड कंपैरिजन करेगा ट्रेंड। नेचर में भी ट्रेंड होता है, कैसे? ट्रेंड का मतलब है रैंडमली बिहेव नहीं होना। आज अगर दिन शुरू हुआ है तो दो घंटे बाद रात नहीं होगी, राइट? 12 घंटे तक दिन चलेगा, ये है एक ट्रेंड। रात शुरू होगी, दो घंटे बाद दिन नहीं होगा, 12 घंटे तक रात चलेगी। सर्दी आएगी, 7 महीने तक सर्दी चलेगी जी। और मौसम चेंज होंगे, बारिश आएगी, गर्मी आएगी, एक पूरा ट्रेंड पकड़ता है और उस ट्रेंड के एक्सट्रीम तक जाता है, राइट? यानी अगर गर्मी हुई तो बहुत गर्मी भी आएगी, सर्दी आई तो बहुत सर्दी भी आप देखेंगे। मार्केट भी ऐसे करती है, हर बार हर चाहे ऊंचाइयों में जाए तो एक्सेस करेगी, नीचे गिरे तो एक्सेस करेगी। हम कई बार कहते हैं इतना ज्यादा गर्मी पड़ने का क्या जरूरत है, इतना ज्यादा सर्दी पड़ने का क्या जरूरत है, लेकिन नेचर का यही रूल है, वो जो चीज शुरू करती है उसको एक्सेस करती है, जो चीज शुरू करती है उसको एक्सेस करती है। रात शुरू करेगी, रात एक्सेस होगी, दिन शुरू करेगी, दिन एक्सेस होगा, सर्दी शुरू करेगी वो एक्सेस होगी, गर्मी शुरू करेगी वो एक्सेस होगी। बिल्कुल, यहाँ पे भी। और स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ डाउन ट्रेंड चलेगा वो एक्सेस करेगा, आप सोचेंगे नहीं वहां तक गिरता जाएगा स्टॉक, जो अप ट्रेंड चलेगा आप सोचेंगे नहीं वहां तक बढ़ता जाएगा, ट्रेंड पकड़ेगा और उसको एक्सेस करेगा जी। नेचर का सेम रूल है, राइट? आपकी उम्मीद से ज्यादा भी चल जाएगा और आपकी उम्मीद से खराब भी परफॉर्मेंस दिखा देगा। और दूसरी चीज, नेचर में और हमारी मार्केट में भी हर चीज साइक्लिकल है, रिपीटेशन है उसकी। सेकंड ग्राउंड ऑफ कंपैरिजन रहेगा कि साइक्लिकल नेचर, साइक्लिकल है, हर चीज साइक्लिकल है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सर्दी के बाद गर्मी, बारिश के बाद सर्दी, हर चीज वही 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 रिपीट होगी। यहाँ पे भी वही होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड और कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड फिर कंसोलिडेशन फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड। आज सैकड़ों सालों से मार्केट में यही होता आ रहा है, हर स्टॉक में यही होता आ रहा है, हर इंडेक्स में यही होता आ रहा है, हर कंपनी में, हर जगह आप देखेंगे एक अप ट्रेंड आएगा, डाउन ट्रेंड आएगा, कंसोलिडेशन होगा, फिर अप ट्रेंड आएगा, फिर डाउन ट्रेंड आएगा, right. ट्रेंड चलेगा, जो ट्रेंड चलेगा। अभी टीसीएस अगर ऊपर जा रहे तो वो ऊपर ही जाता रहेगा जब तक उसका ट्रेंड नहीं घूमेगा, right. आप सोचेंगे ये दोनों तो को आपस में, उसको इतना ऊपर जाने की क्या जरूरत है और उसको उतना नीचे आने की क्या जरूरत है? दोनों एक्सट्रीम बिहेवियर दिखाते हैं, दोनों एक्सट्रीम बिहेवियर दिखाते हैं। नेचर का रूल है ये, नेचर जिस तरह से बिहेव करती है मार्केट हमारी बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करती है।
आप अगर नेचर को और मार्केट को जोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको लगेगा बिल्कुल सेम प्रिंसिपल। तो यानी दो प्रिंसिपल अब तक हमने डिस्कस किए, पहला रहेगा ट्रेंड, और ट्रेंड से कनेक्टेड है कि साइक्लिकल है, दोनों अपने नेचर में साइक्लिकल है और एक्सट्रीम करती है दोनों तरफ, दोनों तरफ एक्सट्रीम करेगी। राइट, अगर ऊपर जाएगी तो एक्सट्रीम करेगी, नीचे जाएगी तो एक्सट्रीम करेगी। मार्केट भी ऐसे करती है, नेचर भी ऐसे करती है। जिस चीज को शुरू करे, बारिश शुरू होगी ना, आपको लगेगा खत्म ही नहीं होने प्यारी। राइट, एक्सट्रीम बिहेवियर, एक्सट्रीम बिहेवियर। तीसरा ट्रेडिंग, तीसरा प्लेटफॉर्म कंपैरिजन करा जाएगा, एक्सट्रीम बिहेवियर दोनों का है। इसके अलावा और क्या ग्राउंड्स होंगे? बहुत ही मिस्टीरियस है, रहस्यमय। मार्केट के बारे में आप किसी से बात करिए, बिल्कुल एक आदमी अवाक होता है, स्पीचलेस। Right. उसको कुछ समझ नहीं आएगा। कितना ही काम करने वाला आदमी हो, कितना ही पुराना काम कर रहा हो, हर समय होश उड़े रहते हैं, जिसको हम कहते हैं। राइट, मार्केट नई नई चीजें दिखाती है। हमारी नेचर भी ऐसी मिस्टीरियस है, बहुत मिस्टीरियस है नेचर। हर चीज का रहस्य है। आप ये पता लगा सकते हो कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन क्यों होता है नहीं पता। और वो भी आप तब पता लगा लेते हो जब वो चीज हो जाती है। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही होता है, नेचर के साथ भी ऐसा होता है। बिल्कुल, आज कैसा क्यों होता है, सुनामी आ गई, हमें नहीं पता चला सुनामी किस वजह से आ गई, जब आ गई और फिर स्टडी किया जाता है तब बताया जाता है कि इस वजह से आई। बहुत ही मिस्टीरियस है, उसके रहस्य अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी है। कभी भी कुछ भी हो जाएगा, मालूम नहीं चलेगा आपको, अचानक से कुछ भी हो जाएगा, अचानक से भूकंप आ जाएंगे। मार्केट भी अनसर्टेन है और मिस्टीरियस है, एक अजीब तरह का रहस्य, एक अजीब तरह का ब्लैक होल है, जिसके बारे में किसी को भी पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है, चाहे वो कितना भी वेटरन प्लेयर हो, कितना ही प्लेयर बड़ा हो, कितना ही पुराना, कितना ही मंझा हुआ ब्रोकर भी हो, उसको भी पूरी तरह चीजें समझ नहीं आती। बल्कि जितना ज्यादा पुराना होगा, जितना ज्यादा मंझा हुआ होगा, आप उससे पूछेंगे वो हमेशा डाउट में रहेगा। नया आदमी तो हमेशा कॉन्फिडेंट होगा कि मैं जानता हूँ यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे भी होता है नेचर में, मार्केट ऑलवेज कीप्स यू इन अ डाउट, हमेशा डाउट में रखेगी मार्केट आपको। जो इंटेलिजेंट प्लेयर होंगे, जो पुराने हैं लोग, वो ये जानते हैं आप श्योर हो ही नहीं सकते कभी भी। ऐसे नेचर में भी आप कभी भी श्योरिटी से पूरी तरह नहीं कह सकते कि मैं जानता हूं इस बारे में। आज हमारी साइंस कितनी भी ऊपर जा चुकी है, लेकिन आज भी ह्यूमन माइंड को पूरी तरह जान नहीं पाई है वो। क्या जानते हैं हम चांद पे चले जाते हैं, हम मंगल पे चले जाते हैं, हम आज तक अपने आप को तो पूरा नहीं जान पाए। बिल्कुल सही बात करें, बाहर की दुनिया को तो तब खोजेंगे जब अपने आप को पूरा समझ जाएंगे, हम अब तक अपने आप को ही पूरा नहीं समझ पाते हैं। आज अगर आप ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स, आपका पार्ट मेरे पार्ट पे नहीं लगेगा, आपका लीवर मेरे लीवर में नहीं लगेगा, आप एक साइंटिफिकली लैब में जाइए, दोनों को टेस्ट करिए, कोई डॉक्टर कोई साइंटिस्ट दोनों में फर्क नहीं बता पाएगा, लेकिन हमारी बॉडी उसको इनकार कर देती है लेने से। बिल्कुल, हमारी बॉडी के पास ऐसा कौन सा सेंसर है जो उस पता चल जाता है कि ये मेरा वाला लीवर नहीं है। राइट, एक और चीज बहुत स्ट्रेंज है ना सुनील, आप देखिए कि इतनी दुनिया है, सिर्फ भारत देश में ही देखा जाए तो 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, इतने लोग हैं, वही दो आंखें हैं, वही एक नाक है, वही दो हाथ है, लेकिन किसी की शक्ल किसी का मैच नहीं करता, किसी का मैच नहीं करता। यही तो रहस्य है, क्यों होता है? आपके हाथ का अंगूठे का जो लाइन होता है वो मैच नहीं करेगा, आपका स्किन मैच नहीं करेगा, जबकि आप उसको लैब में टेस्ट करने जब जाएंगे तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा। साइंटिस्ट बोलेगा एक ही चीज है, सब कुछ एक ही है, लेकिन आप उसको दूसरी बॉडी में शिफ्ट करके देखिए, बॉडी बता देगी एक नहीं है। यस राइट, बॉडी बता देगी एक नहीं है। ऑर्गन्स को नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता, ब्लड ग्रुप नहीं लिया जा सकते एक दूसरे के। बिल्कुल, वो फिर भी लिया जा सकता है सेम हो तो, लेकिन हमारी सोचिए, हमारी बॉडी के अंदर नेचर ने जो बनाया है कितना सेंसर है कि जिसको लैब नहीं पकड़ पाती, साइंटिस्ट नहीं पकड़ पाते, केमिकल्स नहीं पकड़ पाते, हमारी बॉडी पकड़ लेती उस चीज को। राइट, क्या है ये रहस्य? मार्केट में भी ऐसा ही एक मिस्टीरियस है, हम कभी भी इसके बारे में पूरा नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके सिस्टम की बात करें। एक्चुअली मार्केट के सिस्टम, एक मार्केट का एक बहुत बड़ा और अपना जो लॉ है, जो नेचर का भी लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचर का लॉ है ये, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। बिल्कुल, जो मार्केट में भी जो ताकतवर होता है। देखिए, नेचर भेदभाव नहीं करती, ये किस्मत ये वो नेचर में नहीं होता, नेचर में होता है कर्म, नेचर में होता है काम आपका। आज एक शेर है, वो हिरन के पीछे भाग रहा है जी। अब हिरन अगर तेज भाग पाएगा तो हिरन बच जाएगा, और शेर अगर तेज भाग पाएगा तो शेर बच जाएगा, क्योंकि खाना मिल जाएगा। बिल्कुल, अब अगर हिरन का अगर ये बोले कि हे भगवान मेरे को बचा लो, क्या भगवान बचा लो, भागो भागो, आपको तो टेंडेंसी दी हुई है, आपको यही तो एक फितरत दी हुई है, भागो आपने की, क्या भगवान बचा लो, भागो, अगर बचना है तो भागो, और नहीं तो शेर खा जाएगा। और अगर शेर भाग नहीं पाया तो वो भी कल को नहीं कह सकता कि मेरी किस्मत खराब है,
उसको मालूम है ये किस्मत की बातें ना सिर्फ हम इंसान करते हैं, जानवर नहीं करते। वो कहते हैं चल मैं कल तेज भागूंगा, हम कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। ये एक्चुअली नेचर का, नेचर में किस्मत होती नहीं है, हम पहले बात कर चुके हैं। नेचर में कोई लक नहीं होता, नेचर में सिर्फ काम होता है। आप स्ट्रांग हैं आप जीत जाएंगे, आप स्ट्रांग नहीं हैं आप भूखे मरेंगे। आप शेर और जो हिरन भाग रहा है उसके सामने, दोनों ही ये चाहते हैं कि वो बच जाएं। ये लड़ाई है एक्चुअली खाने की, दोनों अपना अपना कर्म कर, दोनों कर्म कर रहे हैं किसके लिए, बचने के लिए, बचने जिंदा रहने के लिए, एक जिंदा रहने के लिए, दोनों का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचर का रूल है वो सर्वाइव करेगा जो फिट है दोनों में से। अगर हिरन तेज भाग सकता है तो वो बचेगा, अगर शेर तेज भाग सकता है तो वो बचेगा। नेचर के लिए कोई भेदभाव नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हिरन बोले मैं कमजोर हूं मुझे बचा लो। नो, कमजोर हो जाओ फिर, यहां जगह नहीं है आपका। मार्केट में भी आज एक आदमी बोलता है सर मेरे पास 50,000 रुपए है मुझे छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ा जाएगा, सबसे पहले उसको मारा जाएगा। मर्सी नहीं दिखाती नेचर। नो मर्सी, कोई मर्सी नहीं है यहाँ पे, कोई दया नहीं दिखाने है। आज स्टॉक मार्केट अगर आप में समझ नहीं है, आप ट्रेड डालते हो और फिर भगवान की पूजा करते हो, हे हनुमान जी मुझे बचा लो, कोई हनुमान जी बचाने नहीं आने वाले। हनुमान जी से पूछ के ट्रेड डाला था नहीं, क्यों बचाने आएंगे वो आपको? आपको नॉलेज नहीं है, आपको समझ नहीं है, आपने पैसा लगा दिया है बिना सोचे समझे, आपको लॉस होगा, दैट्स इट। नेचर का यही रूल है, मार्केट का यही रूल है, आपको समझना होगा, अंदाजे नहीं लगाने हैं, सब कुछ छोड़ नहीं देना है, आपको काम करना है। अगर आप काम नहीं कर पाए तो आप बाहर, जैसे नेचर में वैसे मार्केट में। राइट, मार्केट और नेचर एक्चुअली बिल्कुल सिमिलर है दोनों। अगर आप बात करेंगे उस टर्म्स में आपको मालूम चलेगा दोनों की बहुत सारी चीजें आपस में मिलती हैं। राइट, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अगर आपने जैसे बताया ये हिरन नेचर के एग्जांपल में, अगर इसे हम स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर दें तो वाकई फिटेस्ट यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, स्ट्रॉन्ग हैंड पैसे में, स्ट्रॉन्ग हैंड समझ में। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा ज्यादा हो, देखिए ये सबसे जरूरी बात है। हम अगर इस तरह की बात बोलेंगे तो सामने लगेगा कि हाँ ऐसा बोल रहे हैं कि पैसा ज्यादा होना, कोई जरूरी नहीं है। नहीं, ये क्राइटेरिया ही अलग है, पैसा हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, नेटवर्किंग दोनों हो सकती है, पैसा और नॉलेज जो है एक्चुअली एक ही बात है। अगर एक के आदमी के पास पैसा है, एक के पास नॉलेज है, तो दोनों एक्चुअली बराबर है। पैसा और नॉलेज दोनों एक्चुअली बराबर है जी। एक को दूसरे की जरूरत है, नॉलेज को पैसे की जरूरत है, पैसे को नॉलेज की जरूरत है, तभी दोनों आगे बढ़ सकते हैं। राइट, बिल्कुल। एक आदमी कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, अगर नॉलेज है तो आप कंपनसेट कर रहे हो उस चीज को। अगर आपके पास पैसा है और नॉलेज नहीं है तो भी ठीक है, तो भी ठीक है जी। तो इसलिए ऐसा मत समझिए कि आपके पास पैसे की दिक्कत है तो प्रॉब्लम आएगा। नॉलेज अगर है, आप नॉलेज के उसे काम कर रहे हो सेंस से, तो भी आप काम कर सकते हो, लेकिन उस एरिया में भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। बिल्कुल। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है आप स्ट्रांग होंगे तो आप बचेंगे, आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो नहीं बचेंगे, चाहे वो किसी भी एरिया में स्ट्रांग हो, चाहे वो आपके पैसे के मामले में हो, चाहे नॉलेज के मामले में हो, चाहे फिर या फिर आप किस्मत जिसको मानते हो अगर उसके मामले में धनी हो, जो भी मानते अगर वो भी मान सकते हैं, अगर आप मानते हो तो जो भी धनी है। और यहाँ पर एक बात और बताऊं, यहाँ पे जैसे हमारी नेचर में ना कुछ इनविजिबल हैंड्स है। ओके, इनविजिबल हैंड का मतलब जिनको हम महसूस तो कर सकते हैं, कभी देखा नहीं है हमने आज तक। अब महसूस करेंगे उसको, कई बार आप भी नोट करेंगे आपके साथ कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको लग रहा होता है इम्पॉसिबल है, लेकिन जैसे कोई हाथ लगा देता है और हो जाते हैं। वाकई ये बहुत कई बार ऐसे लगता है आपको कि कोई आपका एक्सीडेंट होते होते ऐसे बचा के आपको लगता है मैं बच ही नहीं सकता था यहाँ से। कुछ है यहाँ पर जो आपके ऊपर जो है आपको देखता रहता है, निगाह रखे हुए। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम किसी की छत्रछाया में हैं। कोई इनविजिबल है, कोई इनविजिबल हैंड है जो इस नेचर को चलाते हैं। पौधा अपने आप खिल जाता है, आप बीज बोते हैं, आप तो कुछ नहीं करते ना करने के लिए, अपने आप खिलता है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। क्या अपने आप हो रहा है? नो। आज एक दीवार के ऊपर बोर्ड लगा हो और मैं आपको कहूं कि ये बोर्ड अपने आप जाके टंग गया, किसी ने नहीं टांगा, क्या आप मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना सब कुछ हो रहा है, क्या अपने आप हो रहा है? छोटा सा बच्चा है, बड़ा हो जाता है, अपने आप हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। अगर ये मैं आपको मानूं, एक बोर्ड दीवार में अपने आप नहीं टंग सकता, इतनी बड़ी नेचर अपने आप कैसे चल सकती है? सब कुछ कोई एक इनविजिबल, वो इनविजिबल हैंड्स हैं जो बचाते हैं। छोटा बच्चा आज सीढ़ियों से गिर जाता है, उसको चोट नहीं लगता है, कोई बचाता है। जो लोग जानते हैं देखते हैं, छोटे बच्चे को अक्सर चोट नहीं लगती। क्यों? शायद हम एक कदम भी गिर जाएंगे तो शायद फ्रैक्चर हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि कोई ना कोई इनविजिबल हैंड है जो उसकी रक्षा करते हैं। उन्हें मालूम है कि ये
अपनी अभी अपने आप को संभाल नहीं सकता, तो वो उसकी रक्षा करते हैं। वो कौन है क्या है नहीं पता हमें, लेकिन कोई इनविजिबल हैंड्स हैं जो हर चीज को ऊपर लेके जाते हैं, हर चीज को नीचे लेके आते हैं, कुछ ना कुछ है। ऐसे मार्केट में भी है, मार्केट के अंदर भी कोई इनविजिबल हैंड है जो माल लेते हैं जब बिल्कुल एकदम ऐसी फीलिंग होती है, डेस्पेयर, लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है, होपलेस फीलिंग होती है, तब वहां पे वो इनविजिबल हैंड माल उठाते हैं, मार्केट ऊपर आती है। ऐसी फीलिंग जब लोग बिल्कुल गंगो होते हैं, एकदम सबको यूफोरिक होता है, वहां पर वो माल बेचता है, वो नीचे आता है। कोई ना कोई इनविजिबल हैंड है जो इस मार्केट को ऑपरेट करते हैं। हमने उसको ऑपरेटर का नाम दे दिया, कोई उसको FIs बोल देता है, यहाँ पर हम नेचर में उसको भगवान बोल देते हैं, नाम हम कुछ भी दे लें, कोई इनविजिबल हैंड है। राइट, राउंड द क्लॉक काम कर रहा होता है, नेचर के मामले भी राउंड द क्लॉक काम कर रहा होता है और स्टॉक मार्केट के मामले में भी राउंड द क्लॉक हो रहा। कई बार लोगों को यहाँ समझ में नहीं आता। अभी 2009 में हुआ क्या, 2009 का बात आपको बताता हूँ, 2009 में हुआ क्या, मार्केट 2500 के आसपास काम कर रहा था, उसके बाद एकदम से इलेक्शन का टाइम आया, उससे 2-3 महीने पहले मार्केट एकदम से 1000 पॉइंट ऊपर आ गया। लोगों को समझ में नहीं आया, किसी ने वहाँ पे कुछ लिया नहीं एक्चुअली, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल पास में थे, तो लोगों को यही था कि कौन सा गवर्नमेंट बनेगा तो मालूम नहीं चलता, तो इलेक्शन के बाद लेंगे जब क्लैरिटी हो जाएगा। इलेक्शन के दिन जो रिजल्ट आया तो यूपी गवर्नमेंट जीत गया जी, मार्केट खुला सीधा 20% सर्किट पे ऊपर। राइट, गैप अप ओपनिंग ही हुई सिर्फ 20% सर्किट। अब वहां पर 2500 का मार्केट 4500 आ गया विद इन अ 3 मंथ्स, और लोग देखते रह गए, और वहां पर हर आदमी एक दूसरे को देख रहा है कि किसने माल लिया, हर आदमी की निगाहें दूसरे से पूछ रही हैं कि शायद हो सकता है इसने लिया हो, किसी को नहीं पता किसने लिया। right. लेकिन किसी ना किसी ने लिया वहां 2500 पे, वो हैंड इनविजिबल कौन थे किसी को नहीं पता, लेकिन इस मार्केट में कुछ इनविजिबल हैंड्स हैं जो इस मार्केट की हर चीज को जानते हैं। इनफैक्ट ये तो रोज ही होता है सुनील, अगर हम देखें तो अभी के पीछे के दिनों में ही हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फंडामेंटल ट्रिगर है पोस्ट बजट, लेकिन मार्केट कहां से चलती 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 5900 के पास पहुंच गई। मार्केट ऐसा ही करती है, मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही है, आप उसको जितना समझने की कोशिश करेंगे, नेचर आप देखिए ना जी, आप कितना समझने की कोशिश करते हैं लेकिन क्या होता क्या है, कुछ नहीं होता, रह जाते हैं आप पीछे, आप लगे रहते हैं सोचने में, दिमाग लगाने में, लेकिन एंड में जाके आपका हर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, आपका क्वेश्चन एक कदम पीछे हो जाता है। आज मैं आपसे पूछता हूँ ये पेड़ के पत्ते हरे क्यों है, आप कहेंगे उसके कारण जो भी होता है उनके अंदर, लेकिन उसमें क्या जरूरत है होने की, आपको आपके पास उसका आंसर नहीं है। नेचर के अंदर भी हम जिस चीज का भी आंसर ढूंढते हैं, हम आंसर बताने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल हमें आंसर नहीं मिलता, हमारा क्वेश्चन एक कदम पीछे हट जाता है। एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है कि क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों एकेडमिक्स की बुक में एक चैप्टर और ऐड हो जाता है हम लोग इसीलिए क्वेश्चन के आंसर ढूंढते रहते हैं, हमें कभी आंसर नहीं मिलते। मार्केट के अंदर भी ऐसा ही होता है, हम हमेशा आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें कभी आंसर नहीं मिलता। राइट, मार्केट में बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, नेचर में भी हमारे बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। आज अगर सूरज ने सुबह निकलना है तो उसने टाइम पे निकल जाना है, आप हो या नहीं हो। वाकई ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुनील, इनफैक्ट ये सारी बातें हमने कभी सोची ही नहीं थी, हमारे ध्यान में कभी नहीं गई कि जानते हैं हम रोज है, रोज देखते हैं, रोज समझते हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं गया कि वाकई एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात हो रही है, इनविजिबल हैंड की बात हो रही है, और कई सारे ये रूल्स नेचर के जो अब तक हमने, इनफैक्ट ये सिर्फ कुछ रूल्स ही हैं जो हमने डिस्कस किया, और भी रूल्स डिस्कस करेंगे, और ये तमाम रूल्स स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल होते हैं। क्या ये तमाम रूल्स, इन पर भी चर्चा जारी रहेगी, इनफैक्ट इस एपिसोड को हम आगे भी एक्सटेंड करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और क्योंकि हमारे व्यूअर्स बेसब्री से इंतजार करते हैं एक स्टॉक पिक जाने का भी, तो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से लौटते ही जानेंगे कि आज सुनील कौन सी स्टॉक पिक दे रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप ईमेल एड्रेस जरूर नोट कीजिए अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, कोई सवाल समझना चाहते हैं, bazaarshastra@znetwork.com पर आप हमें अपने सुझाव, अपने प्रश्न, अपने तमाम जो आपके माइंड में कोई भी कॉन्सेप्ट जो समझना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। बने रहे हमारे साथ। स्वागत है, आप देख रहे हैं अपना आपका पसंदीदा शो बाजार शास्त्र, और अब बारी है एक स्टॉक पिक जाने की जो सुनील का इस वक्त पसंदीदा है। सुनील, इस वक्त कौन सा स्टॉक पसंदीदा, इसलिए क्योंकि चार्ट्स पर अच्छा लग रहा होगा आपको, कौन सा स्टॉक दे रहे हैं आज? आज का स्टॉक है कैस्ट्रॉल। मैं चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, देखिए आप, जैसे आप ये देख पा रहे हैं ये वीकली चार्ट है, इसका वीकली चार्ट के अंदर इसका ट्रेंड अभी तक बिल्कुल ऊपर का है।
और ये इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट में एक इसका रेजिस्टेंस लेवल था करीबन 316 से लेकर 320 की रेंज जी, और ये इसने अभी एक दो दिन पहले ही काटा है ये रेंज ऊपर की तरफ। तो एक तो अप ट्रेंड में है ये स्टॉक और बहुत ही अच्छी कंपनी है ये, और बहुत ही अच्छा चार्ट है, क्लासिकल चार्ट है ये अप ट्रेंड का। तो हमारा मानना ये है कि अगर इसको यहाँ पे लिया जाता है इन 330 की रेंज में, 330-325 की रेंज में, और नीचे की तरफ एक बार 300 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाया जाता है, तो इसका हाई लगभग इसी के आसपास है, 330 के आसपास ही। तो अगर ये हाई क्रॉस हो जाता है, जो कि लग रहा है चार्ट देख के इसका हाई क्रॉस हो जाएगा, तो जब भी हाई क्रॉस होते हैं उस समय टारगेट तो नहीं दिए जाते क्योंकि मालूम नहीं है कहाँ तक जाएगा ऊपर, लेकिन फिर भी 360 से लेकर 370 रुपये तक का पहला टारगेट है इसका, उसके बाद इसका टारगेट 400 रुपये रहेगा। 300 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी होगा आपको, और 320 से लेकर और 330 के बीच की रेंज में आप इसे कहीं पे भी बाय कर सकते हैं। चलिए, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग काउंटर है क्योंकि ये भी एक कंजम्पशन बेस्ड काउंटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है ये, बहुत ही अच्छा चार्ट है ये, हालांकि थोड़ा ऊपर आ गया अभी लेकिन यहाँ पे भी लिया जा सकता है। चलिए, एक व्यूअर्स को ये जरूर यहाँ बता दें क्योंकि जैसे कि आपने साफ बताया कि अगर 330 को ऊपर की तरफ काट देता है तो इसके चांसेस ज्यादा कि ऊपर जाए, तो यानी बाय जो है वो आपको स्ट्रिक्टली इसी रेंज में करना है, बाय आपको इसी रेंज 330 या उसके ऊपर 330-320 की रेंज में आप बाय करें, 300 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं, 330-32 पार होते ही एक बार ये ऐसी जोन में आ जाएगा जहां ये कहीं भी जा सकता है जी, वहां पे कोई लिमिट नहीं है, ये 360 भी जा सकता है, ये 400 भी जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। ऐसे भी बहुत फास्ट मूविंग काउंटर अगर दिखाता है तो ये भी एक्सट्रीम बिहेवियर दिखाता है, बहुत बहुत अच्छा काउंटर है। चलिए, कैश कॉल रहेगा आज का स्टॉक पिक, आप इसके लेवल्स एक बार फिर से नोट कर लें, आपको इसे खरीदना होगा 320-330 के जोन में, और टारगेट जो हम यहाँ से आय कर रहे हैं पहला टारगेट यहाँ से लगभग 360-370 का एक दिखा सकता है ये टारगेट, अपनी चाल दिखा सकता है, और जो दूसरा टारगेट रहेगा अगर ऐसी ही चाल बनी रहती है तो 400 रुपये तक का लेवल आपको देखने को भी मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस 300 रुपये का जरूर लगा के रखें, 300 रुपये वही जोन रहेगा, 1-2 रुपये आप जो हमेशा बताते हैं 300 रुपये के आसपास का 2-3 रुपये ऊपर नीचे चलाना चाहिए जी, उस जोन को नहीं काटना चाहिए, अगर उससे नीचे जाता है तो आपको भी सौदा काट देना है यहाँ पर। चलिए, बिल्कुल कैस्ट्रोल आज की स्टॉक पिक रहेगी, और उम्मीद यही रहेगी व्यूवर्स से कि वो आज हमारे इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को, जो एक अलग टॉपिक हमने आज डिस्कस करा है, नेचर से कंपेयर करा है स्टॉक मार्केट को, उस डायरेक्शन में भी सोचना शुरू करें, अपने थॉट प्रोसेस को बढ़ाएं कि वाकई जितने वाइज हम नेचर के साथ रहते हैं, जितना पालन हम नेचर का, कुदरत का करते हैं, उतना ही पालन हम इस शेयर बाजार का भी करने लग जाएं, इसके प्रिंसिपल्स का भी पालन करने लग जाएं, तो हम ऊपर की ट्रेंड में यानी ऊपर की दिशा में ही रहेंगे, मुनाफे की दिशा में ही रहेंगे। इसी के साथ शुक्रिया सुनील शो में आने के लिए, आपका कोई डिस्क्लोजर? ये स्टॉक में होल्ड कर रहा हूँ। चलिए, इसी के साथ सुनील से आज तो इजाजत देते हैं, अगले हफ्ते फिर उनसे जानेंगे कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स, इसी कॉन्सेप्ट को आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, कुछ और मुद्दों पर, कुछ और ग्राउंड्स पे कंपेयर करेंगे नेचर और स्टॉक मार्केट को, जो आज तक हमने सोचा नहीं है, जो हमारी सोच से भी परे था। वक्त आपसे इजाजत लेने का, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, नमस्कार। आकाशवाणी हुआ जिसमें वो कहा गया कि देवकी का 8वां पुत्र जो है वो तुम्हारी मौत बनेगा, जो कंस थे उन्होंने 7 बच्चों को पहले मारा, अब 7 बच्चों को मारने के जरूरत, अगर 8वें को बचा, अगर आप चाहते हो 8वां पैदा ना हो तो माँ को मार दो। हाँ, बिल्कुल लॉजिक है कि आप माँ को मार सकते हो, दोनों को अलग कर सकते हो।